Assalamualaikum, मैं हूँ आरजे साजिद और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक और स्पेशल गेस्ट हैं जो कि हम सब लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर दुर्दाना यूसुफ हैं जो कि शोपियां से हैं और स्काय मार्शल आर्ट प्लेयर हैं ये, जिन्होंने अपना जो है नेशनल में, इंटरनेशनल में, स्टेट लेवल पर लोहा मनवाया है। एंड वेलकम टू माई शो। थैंक यू सो मच। दुर्दाना, कैसा लग रहा है आज यहाँ पर हमारे स्टूडियो में? मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आज पहली बार आई हूँ शायगम शोपियान में, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा यहाँ। दुर्दाना, अगर मैं मार्शल आर्ट की बात करूँ तो एक लड़की के लिए या फीमेल प्लेयर के लिए मार्शल आर्ट का कितना ज्यादा स्कोप है? मार्शल आर्ट जो है ये एक लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के क्राइम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जो क्राइम्स बढ़ते हैं डे बडे, तो उस हिसाब से जो गर्ल्स है उनको सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं स्कोप की बात करूं तो कितना ज़्यादा स्कोप है इसका? मार्शल आर्ट जो है इसमें हमें फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस मिलती है और गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस मिलता है। तो मार्शल आर्ट जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, इससे हमारी जो लाइफ है वो फिट रहती है फिजिकली भी और मेंटली भी। दुर्दाना, अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूं तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन जो है वो एहसान सर है, जो मेरे कोच भी है और मेरी इंस्पिरेशन भी है। और उसके साथ साथ जो सवाल हैं वो जारी हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है, अगर मैं चैलेंज की बात करूँ तो एक मार्शल आर्ट प्लेयर के लिए कौन कौन से चैलेंज हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं? अगर मैं शोपियान की बात करूँ तो यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं है, और जो यहाँ की सोसाइटी है उनमें जो नेगेटिविटी है, तो वो चीज़ें जो है उससे हमें थोड़ा बहुत चैलेंज करना पड़ता है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने पड़ते हैं जी। दुर्दाना, एक क्लोजिंग मैसेज मैं चाहूँगा कि हमारे लिसनर्स के नाम और सोशल मीडिया पर जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए एक जो है क्लोजिंग मैसेज आपका क्या रहेगा? क्लोजिंग मैसेज मेरे लिए यही है, जो कि आज ड्रग एडिक्शन है और जो सोशल मीडिया पे जो स्क्रॉलिंग करते हैं उन जो वो है उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप इस एडिक्शन से बाहर आओ, आप अपने माइंड को बिजी रखो, जितना आप अपने माइंड को बिजी रखोगे उतना आप इस एडिक्शन से बाहर आओगे। जो ये ड्रग एडिक्शन है और सोशल मीडिया पे दिन रात स्क्रॉलिंग करना, तो इस चीज़ से बाहर आओ। जब आप इस चीज़ से बाहर आओगे तभी आप अपने लाइफ में कुछ हासिल कर सकते हो और आगे जा सकते हो, और ये दो चीज़ें जो है ये हमारी जनरेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। बिल्कुल, दुर्दाना ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमें अपने माइंड को जो है वो बिजी रखना है, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करने से बेहतर है आप कुछ प्रोडक्टिव काम करें। और जिस तरीके से दुर्दाना की अचीवमेंट्स हैं इतनी कम एज में, और आज वो इस प्लेटफॉर्म पे आई है, हमसे बात कर रही हैं और आप लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, मैं चाहूँगा कि इस तरीके से हम सभी लोग कुछ अचीव करें और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। फिलहाल हमारे शो में बस इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए।